ये जो ER2 बना है ना, जो पानीपत कहने रोड से आता है, इसका उल्लेख मैंने किया, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तक जिसकी कनेक्टिविटी है, इसमें हमने 20 लाख टन कचरा उपयोग में लाया। एक थोड़ा सा दुख है मुझे इस बात का कि दिल्ली मेरठ जब चल रहा था तब मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे कामयाबी नहीं मिली। अगर वो उस समय मिल जाती तो एक आधी टिकड़ी की टिकड़ी खाली हो जाती। अब जितने भी काम हो रहे हैं उसके लिए हम लोग ये यूज करने की कोशिश कर रहे हैं और NHAI में इसकी पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इसको कचरे को सेग्रीगेट करना पड़ता है। वहां अभी गाजीपुर और टेकड़ियों पर एक मशीन लगाए गए हैं और कचरे को सेग्रीगेट करके फिर वो मटेरियल हमको मिलता है। तो थोड़ा सा पूरे देश में अलग अलग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो कचरा है वो उपयोग में लाए। जब रोड में पानी डालना पड़ता है, रोलर फिर हाथ घुमाते हैं, तो जो खराब पानी है जिसका रिसाइकलिंग होता है वो पानी यूज होगा। तो हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं और आपको बताते हैं, मुझे खुशी हो रही कि हमने बाम्बू का क्रैश बैरियर सक्सेसफुल किया है, जिसको सब एजेंसी ने किया, आप वो क्रैश बैरियर बाम्बू के कर रहे हैं। तीसरी बात, रबर टायर जो यूज होते हैं उसका रबर पाउडर यूज करके वो हम बिटुमेन में 15% डालते हैं, 8% प्लास्टिक डालते हैं। और अब सबसे अच्छी बात है जो मेरा बड़ा प्रिय विषय है कि हमारे 80 लाख टन बिटुमेन लगता है, 30 लाख टन हम इम्पोर्ट करते हैं, 50 लाख टन देश में होता है। तो अभी सेंट्रल रिसर्च ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और CSIR, इन्होंने एक सर्वे रिसर्च करके एक ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट बनाया कि जो परली है, राइस स्ट्रॉ, ये जलाने से दिल्ली में प्रयोग से बिटुमेन बनता है। तो हम उसके ऊपर अभी बिटुमेन बनाने के लिए किसानों से बिटुमेन लेंगे, ऐसी योजना बना रहे हैं। मुझे आपको एक अच्छी बात बतानी है जिसको आप थोड़ा आपके तरफ से भी प्रोत्साहित करिए कि पंजाब हरियाणा में ज्यादातर और आज देश में 28 प्रोजेक्ट ऐसे शुरू हुए हैं कि जो परली से बायो CNG और बायो LNG तैयार करते हैं, और 135 प्रोजेक्ट अब चल रहे हैं। तो उनसे ट्रैक्टर CNG LNG ट्रैक्टर बस उस पर कन्वर्ट होती है। तो पंजाब और हरियाणा के किसान अब LNG और CNG बना रहे हैं। किसान अन्नदाता है, फिर ऊर्जादाता बना, इथेनॉल लाया हमने, अब इथेनॉल के बाद किसान को डाम्बर दाता बना रहे हैं। मैं किसान हूँ और फार्मर सेंट्रिक काफी काम करते रहता हूँ, तो मैंने ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मैं 2004 से बोल रहा था, लोग विश्वास नहीं रख रहे थे, कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, और किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता नहीं, तो डाम्बरदाता भी बनेगा और इस देश का किसान समृद्ध संपन्न होगा। और हम अब ग्रीन हाइड्रोजन भी किसान बना रहे, मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी भी है, बहुत सुंदर चलती है। तो आने वाले समय में हम ऊर्जा निर्यात आयात करने वाले नहीं, ऊर्जा निर्यात करने वाला देश बनेंगे और उसमें किसानों की भूमिका इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये सब इनिशिएटिव, ग्रीन इनिशिएटिव हमने लिए है। आपको पता होगा कि वित्त मंत्री जी ने सप्तर्षि की बात की थी, 7 ग्रीन इनिशिएटिव, हम हमारे डिपार्टमेंट में विशेष रूप से वो करने की कोशिश कर रहे हैं।